बारे बीटे से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। सुबह 8 बजे मुलाकात की, अडयाला जेल जाएंगे। बैरिस्टर डी जफर ने कहा कि 5 रुकनी कमेटी हफ्ते को बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। हुकूमत से दरख्वास्त की गई थी कि इस मुलाकात की सब सुबह हम जाएंगे और खान साहब जो कहेंगे वो हम करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि वफ्त में अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा शामिल होंगे, असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी वफ्त का हिस्सा होंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि सुबह 8 बजे मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि 5 रुकनी कमेटी हफ्ते को बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। हुकूमत से दरख्वास्त की गई थी इस मुलाकात के हवाले से, सुबह हम जाएंगे, खान साहब जो कहेंगे वो हम करेंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि वफ्त में अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी शामिल होंगे। और ये किसने इजाज़त दी, किसने दरख्वास्त की, कैसे ये अमल हुआ सर, मौलाना साहब का क्या रोल है? देखें, जो जो हुकूमत है उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि इसके बगैर तो आगे मामला चल नहीं सकता। उन्होंने सुबह राजा साहब हैं और मुजदा साहब हैं, 5 रुकनी। ये किसने इजाज़त दी, किसने दरख्वास्त की, कैसे ये अमल हुआ सर, मौलाना साहब का क्या रोल है? देखें, जो हुकूमत है उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि इसके बगैर तो आगे मामला चल नहीं सकता। उन्होंने सुबह राजा साहब हैं और मुजदा साहब हैं, 5 रुकनी। ये किसने इजाज़त? बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिली है। सुबह 8 बजे मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि सुबह 8 बजे मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे। पीटीआई की जानब से मुलाकात का मुतालबा किया गया था और अब जो है हुकूमत की जानब से इसकी इजाज़त दी गई है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा है कि 5 रुकनी कमेटी जो है वो हफ्ते को बानी पीटीआई से मुलाकात करेगी। हुकूमत से दरख्वास्त की गई थी इस मुलाकात की और सुबह हम जाएँगे और जो खान साहब कहेंगे वो हम करेंगे। वफ्त में अली जफर, बैरिस्टर गौहर, हामिद रजा, असद कैसर और सलमान अकरम राजा भी शामिल होंगे। आप तक ये अहम खबर पहुंचा दें कि बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त मिली है। इजाज़त के लिए बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए हुकूमत से पीटीआई की जानिब से इजाज़त मांगी गई थी।